नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रिसर्च पे बात की थी, आज हम करेंगे हाइपोथीसिस यानी परिकल्पना। परिकल्पना अर्थात पूर्व कथन यानी कि जब हमारे पास कोई समस्या होती है तो उसके हम कई सारे समाधान खोजते हैं, लेकिन अंत में जाकर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जहाँ पे वो जो हमारी समस्या का जो समाधान है वो सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। यही परिकल्पना है। चलिए, परिकल्पना शब्द का अर्थ एक उपकथन से है जो कि किसी समस्या के समाधान की अवधारणा प्रस्तुत करता है। साधारण शब्दों में परिकल्पना दो शब्दों का योग है, परि प्लस कल्पना, यानी कि परि पहले, कल्पना सोचना, यानी कि हम पहले कुछ सोचते हैं, उस समस्या का समाधान सोचते हैं। अर्थात परिकल्पना हमारी पूर्व में सोची गई स्थिति अनुसार समस्या समाधान की प्रक्रिया है जिसे हम अपने अनुसंधान के दौरान निष्कर्ष तक पहुंचने से पूर्व प्रयोग में लाते हैं तथा अंत में उसकी वैधता के लिए परीक्षण किया जाता है। यह सत्य भी हो सकता है अथवा नहीं भी। निष्कर्ष परिकल्पना के प्रकारों के आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी कि वो सत्य है या नहीं है, या जो भी हमारा निष्कर्ष निकलता है वह वैध है या नहीं है, ये चीज़ हम फिर उसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम दिया जाता है परिकल्पना के प्रकारों के आधार पर। जैसे कि ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, कि घोषित कथन है, या फिर डायरेक्शनल स्टेटमेंट है, या फिर नॉन डायरेक्शनल यानी कि नल हाइपोथेसिस है, ये सब नाम दिए जाते हैं। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। ब्रूस डब्ल्यू टकमैन के अनुसार परिकल्पना की परिभाषा अपेक्षित घटना के रूप में की जाती है जो चरों के माने हुए संबंध का सामान्यीकरण होता है। ए हाइपोथेसिस कुड बी डिफाइंड एज एन एक्सपेक्टेशन अबाउट इवेंट्स बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन ऑफ द अज्यूम्ड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। सेकंड, अकॉर्डिंग टू बार एंड स्केट्स, परिकल्पना एक ऐसा कथन है जिसे अस्थायी रूप से सही मान लेते हैं जो कि परिचित तथ्यों से संबंधित होता है, जिसका उपयोग शोध की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से नए सत्यों की खोज की जाती है। जब परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है तब उससे नवीन तथ्यों, नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। यानी कि जो परिकल्पना है टकमैन के अनुसार वो क्या हो गई कि अपेक्षित घटना के रूप में उसको माना जाता है, कि एक अपेक्षित घटना है जो चरों के माने हुए संबंध का सामान्यीकरण होता है। और स्केट्स एंड बार के अनुसार वो एक ऐसा कथन है जिसे अस्थायी रूप से हम सही मान लेते हैं, यानी कि परिकल्पना को स्टार्टिंग में क्या माना जाता है, सही माना जाता है कि ये सही है, क्योंकि वो क्या होता है, जो भी हमारे तथ्य होते हैं उनसे क्या होता है, संबंधित होता है, और शोध क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जब इसका प्रयोग करते हैं तो नए सत्यों की खोज की जाती है और परिकल्पना की क्या हो जाती है, पुष्टि हो जाती है। और वो क्या होती है कि जो नए तथ्य, नियम और सिद्धांत वे बन जाते हैं।